गूगल सीट के अंदर हम एरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लासेस में बताया किस तरह से एरे का यूज होता है। जी तो जी एरे के तीन पार्ट बताए थे आपको। पहला डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने मिड फॉर्मूला एग्जांपल दिया था जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। दूसरा था कैलकुलेशन, जिसमें हमने कैलकुलेशन की बात की थी। तीसरा आता है स्टोरेज, कि आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 1 2 2 3 3, ठीक है। 1 1 में हमारा दिल्ली है, 2 2 में हमारा मान लीजिए मुंबई है, और 3 3 में हमारा पुणे, ठीक है, या कोलकाता है, कोलकाता। अब मुझे, अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कोड लिखूं और यहाँ पे सिटी आ गया, तो आप बोलेंगे कि कौन सी बड़ी बात है। मैं सिंपली यहाँ पे वी लुकअप लगा लूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा, डेटा को सेलेक्ट कर लूंगा, एंड कॉमा 2 0, तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ये डेटा किसी जगह पर रखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं ये डेटा सीड के अंदर ही हो, समझे, सीट के सीड के अंदर ही अंदर, इस मतलब। फॉर्मूले के अंदर हो। तो इसके लिए हम अच्छा वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन वी लुकअप जी में जो हमने रेफरेंस दिया है ना, ये रेफरेंस ना दे के कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 1 कॉमा डेली, फिर सेमी कॉलर। एक एरे में कॉल, ये जो आपका कॉलम जो होता है वो कॉमा से डोनेट होता है, और रो जो होता है वो सेमी कॉलर से। 2 2 कॉमा मुंबई, फिर सेमी कॉलर, 3 3 कॉमा कोलकाता, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट को कर देता हूं क्लोज। एंटर प्रेस करें, आगे मुंबई, जी जी समझिए यहां पे ध्यान से, ठीक ठीक है। है डेटा को इस फॉर्मेट में रखना है। तो जैसे इसने बैकेंड में क्या किया कि 2 कॉलन एंड 3 रो ले लिया, क्यों, क्योंकि आपका 3 रो है, सेमी कॉलन लगा हुआ है, पहला रो, दूसरा रो एंड तीसरा रो। अब यहां पे एक और आता है, यहां पे फॉर्मूला, फॉर्मूला टेक्स्ट, फॉर्मूला एरे करके आना चाहिए, फॉर्मूला एरे फॉर्मूला आता है। एरे फॉर्मूला एरे एरे फॉर्मूला फॉर्मूला तो आता अलग है। हो गया, वो तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए आता है। एरे फॉर्मूलाज अलाउ द एरे नॉन फंक्शंस ऑफ एरे, तो एरे के लिए हो गया, क्योंकि तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एंटर मारूं तो रिजल्ट इस तरह से दे देगा, दिख रहा है ना सर। अच्छा लेकिन एक इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, एक्सेल के अंदर होता है, कि हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। एक्सेल के अंदर जब आइएगा आप, तो एक्सेल के अंदर हमारे पास टेक्स्ट वाले सेक्शंस के अंदर ये होता है एरे टू टेक्स्ट, ठीक है। एरे टू टेक्स्ट को अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ ओके करते हैं, और इसी में कॉमा, हम कॉमा यहाँ पे 1 कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा लग गया, जो कि हमने मैनुअली टाइप किया है ना उसके लिए। अब इसको अच्छा कॉपी करके, वैल्यू पेस्ट करके, पूरे को कॉपी करके आप अपना एरे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम इस्तेमाल किए। ठीक है। पर ये मैनुअल क्यों करेंगे हम सर? क्योंकि मुझे यहां पे अपने डेटा को नहीं रखना, अच्छा ठीक है गॉट इट। तो समझे, अगर बहुत बड़ा डेटा हो तो कितना मैनुअल टाइप हाँ। करेंगे हम? तो उतना बहुत बड़ा यूज नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि आपका इंसेंटिव का स्लैब हो गया, कमीशन स्लैब हो गया, हाँ ठीक है। ठीक है, अच्छा समझ मैं गया ना। ये कह था, एक एक आपने मेरे आपने को एक बताया बताया था है रो के के लिए लिए कॉमा कॉमा और और कॉलम के सेमी कॉलन, लिए। सेमी कॉलन इसके लिए होता है, रो के लिए सेमी कॉलन और कॉमा कॉलम के लिए कॉमा। देखिए यहाँ पे सिंपल कर्ली ब्रैकेट में, मैं यहाँ पे इक्वल कर्ली ब्रैकेट में कर दिया, ठीक 1 2 3 4 5 6 7 8, एंटर ठीक है प्रेस करें तो कंटिन्यूस एक ही रो में दिखा रहा है ना पूरा डेटा। हाँ लेकिन मैं यहां फोर के बाद कोमा के जगह पे सेमी कॉलन लगा देता हूं, तो 2 रो में हो गया, समझे।
रो में रो अगर में हमें, अगर अगर हमें हमें अगर कॉलम में कॉलम में डेटा डेटा चाहिए तो जहां से कॉमा आपको, कॉमा कहा लगाते हैं कॉलम लोग। बाई डेटा चाहिए तो कॉमा कॉमा लगा दिया, फिर जहां से रो एग्जैक्टली तोड़ना है वहां पे सेमी कॉलम, सेमी कॉलम सेमी लगा दो ताकि वो नीचे आ नीचे जाए। से देख रहे हैं ना कि मैंने यहाँ पे सेमी कॉलम किया था, फोर से टूट के नीचे आ गया। हाँ, टूट के नीचे आ गया। ठीक है, ठीक। तो एरे का तीन पार्ट होता है, और अगर सर मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन, वन टू थ्री फोर कैलकुलेशन। नीचे, अगर बोले 1 2 3 4 1 2 3 4 नीचे चाहिए चाहिए तो तो कॉमा नहीं कॉमा नहीं लगाएंगे लगाएंगे, सब में सेमी सेमी कॉलम कॉलम सेमी सेमी कॉलम कॉलम सेमी जी, कॉलम। पूरा सीक्वेंसली इस तरह से आएगा। हाँ ठीक। समझ में आ गया ना, अब तीनों पार्ट समझ में आ गया रहेगा, कैलकुलेशन, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन और स्टोरेज। हाँ क्लियर है? ठीक है। ठीक है, स्टोरेज इसलिए है क्योंकि स्टोरेज हमारे हमारे डेटा हमें डेटा कहीं और रखना नहीं है, चार नहीं, पांच चार पांच डेटा हो डेटा अपना मैनुअल, अपना उसी मैनुअल उसी फॉर्मूला में फॉर्मूला उसी में में सब सेट कुछ होगा। ठीक है, ठीक तो उसके उसके कंडीशन में वैसे कंडीशन। कर लेंगे। अब इसमें ये हो गई, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला जो ऑप्शन आता है हमारा, वो आता है इसका क्या बोलते हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे सर इसका जैसे यूज कहाँ यूज होगा, का इसका यूज कहाँ होगा जो अभी बताया इसका आपने। ये इसकी बात कर रहे हैं। हाँ सर बता रहा हूं आपको कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा होता है जिसको सीट पे हम नहीं रखना चाहते, जैसे कमीशंस हो गए, कैप रेट हो गया, हम चाहते हैं फॉर्मूले के अंदर पर आ रहे हो। अच्छा, ताकि कई कहीं से बार उठाना ना पड़े हमें। हाँ, कहीं से उठाना ना पड़े, फॉर्मूले के अंदर हो। जैसे आप ये देख ठीक सकते है हैं ना कि मैं यहाँ पे अगर 33 करूँ तो इजिली मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है, बट इसको ड्रैग करने के लिए आपको पहले फ्रीज करना पड़ेगा, और इसी सीट से लिंक होगा, इसको मैं किसी और सीट पे भी कहीं भी यूज कर सकता हूँ फॉर्मूले। हाँ ठीक है। ठीक, अभी तो अभी तो आपने ये आपने जो ये जो कर कर दिया दिया उसको आपने उसको आपने लिंक कर लिंक कर रखा दिया, है, ये 11-22 को नहीं, ग्यारह लिंक बाईस नहीं किया को है। नहीं, ये तो जहाँ मैनुअली 23 डाल मिलेगा दिया, उसके ये तो सामने मैनुअली ये डाल दिया कोलकाता आपने। दे दो। और जरूरी वीलुकअप में नहीं, हम और जगह पे भी करते हैं इसका हाँ ठीक है, यूज। ठीक है, ठीक, समझ जैसे गया। मान लीजिए ना कि पूरा फॉर्म, ये पूरा है, हमें टाइप ना करके हमें फॉर्मूला के थ्रू शो करना है हाँ तो भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब चलिए कुछ और छोटे मोटे ट्रिक्स को हम जानते हैं। जैसे ही मैंने क्वांटिटी लिखा, एरे के क्वांटिटी लिखा हमने, राइट, क्वांटिटी में हमने 50, 60, 70, 80, 90, और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया MRP। MRP में मैंने बोला 600, 200, 30, 35, ये हमारा MRP है। अब मुझे पता करना है कि टोटल अमाउंट कितना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सम कर दोगे, क्या ये करेंगे ना, हाँ लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि सम, और हमने बोला कि इसको लो और मल्टीप्लाई करो किससे, सॉरी इससे, तो माफ कीजिए 16 होना चाहिए, समझ हाँ गए, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए। अब ये देखिए नहीं आया, इसको क्या लगाना है, हमें एरे फॉर्मूला अरे किसके अंदर, अरे एरे फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया, या कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार देंगे तो एरे ऑटोमेटिक लगा हाँ, देगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर लगा देते हैं। अब इसमें ये तो छोटा सा बात हुआ, अब इसमें कंडीशन लगाना है भाई, जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है हमें उसी की एमआरपी के साथ मल्टीप्लाई करके सेव करना है, बाकी को सेव नहीं करना है। तो यहां इफ लगाओगे कि इफ अगर ग्रेटर देन 50 देन मल्टीप्लाई अदरवाइज 0, ये चीज आप यही कर सकते हैं, सम इसको और इसको एथ हम इकट्ठा सामने। कर दिए। इफ में ठीक है हमने पूरी की ठीक पूरी लॉजिक ले ली, है। और ग्रेटर ग्रेटर देन देन 50 तो 50 हमने इसको सेलेक्ट किया मल्टीप्लाई बाय MRP, अदरवाइज हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। और नॉर्मल एंटर कंट्रोल नहीं शिफ्ट मारना एंटर, है, या कंट्रोल तो एरे फॉर्मूला लगाइए शिफ्ट या एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ताकि एरे फॉर्मूला लगे फिर एंटर मारिए। तो अब फायदा समझ में आया एरे फॉर्मूले का, सर समझ में आ रहा है ना फायदा, तो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल हम देते हैं आपको, इसके लिए मुझे यहां पे चाहिए कुछ वैल्यू, कुछ ज्यादा वैल्यू चाहिए।
मान लीजिए मैंने मेरे पास ये डेटा लिखा हुआ है, मुझे इसमें टॉप फाइव चाहिए, तो टॉप फाइव के लिए क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 क्या लगाएंगे सर? मैक्स, अरे वो मैं क्या कहते हैं सर, मैक्स के बाद आपने बताया था वो लार्ज करके बताया था ना सर। जी हाँ, लार्ज, लार्ज फॉर्मूला लगा लार्ज, देंगे। लार्ज फॉर्मूला में हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा पूरा नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, और नीचे देंगे। ड्रैग करने के लिए हमें क्या करना होगा, मर्ज से फ्रीज, सॉरी माफ कीजिए, फ्रीज। और मुझे फिर इसका टोटल निकालने के लिए हमें इसका सम करना होगा, राइट? हाँ, टोटल ये करना निकालना है होगा फिर ना। सम करना है। तो अगर आप, चलो आपको ये चलो ठीक है, आपको टोटल भी दिखाना है और सम भी दिखाना है, इसका यूज कर लिया, लेकिन मुझे ठीक टॉप फाइव का बिल्कुल सम, सिर्फ सम दिखाना है, हाँ ठीक है, ठीक? लिखना तो वहां पे तो पूरा लिखना पड़ेगा ना सर हमें, पड़ेगा, नहीं तो फिर वो तो लगाएंगे एरे। एरे तो यही चीज एरे का फॉर्मूला यही है फायदा, कि सम तो लार्ज, सम, हाँ सम लार्ज, लार्ज, ठीक लार्ज है, में अपने डेटा को डेटा सेलेक्ट सेलेक्ट कर किया, लेंगे, ठीक और है, वन यहाँ कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 3, 5 और फाइव लिखा, और यहाँ पे एंटर ब्रैकेट प्रेस वन कंट्रोल करेंगे। शिफ्ट एंटर, नहीं अलग अलग इसमें इसमें जरूरी नहीं है, बस कर्ली ब्रैकेट लगाया ना, इसलिए जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम मतलब है कि कल के डेट में 10 हो जाएगा, तब क्या करेंगे? नहीं, वो फिर ये भी तो डेटा मैच नहीं कर रहा है ना, इसका प्लस अलग आ रहा है, ऊपर वाले का प्लस अलग आ रहा है, ये 38682 आ रहा है, 5 का ऊपर मात्र इतना ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए, देखिए अब रिजल्ट सही आएगा, हाँ ठीक है? अब लगा क्वेश्चन यहाँ कंट्रोल भी, सो एक शिफ्ट, छोटा सा प्रॉब्लम भी है कि कैसे करें इसको, इसको कैसे करें, क्योंकि हमारा 10 है तो 10 तक लिखना पड़ेगा। तो हाँ एक्सेल में हम लोग रो का फॉर्मूला लगाते हैं, कि रो 1 से लेके 10, अच्छा, गलत वर्क कर गया? कर गया। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हाँ तो लगा हुआ है, इतना हाँ जरूरत नहीं हाँ है, अरे तो लगा हुआ तो कंट्रोल इस तरह शिफ्ट डाल सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इससे लिंक हो, किससे लिंक हो, 10 से, इसको, तो तो ये हटा इन्वर्टेड, देंगे यहाँ पे हाँ हम। इन्वर्टेड कॉमा में लगाते हैं, एन परसेंट करते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या लग रहा है, आएगा रिजल्ट? नहीं, क्योंकि नहीं, रो फॉर्मूला बोलता है कि मुझे चाहिए रेफरेंस। हमने क्या दिया है, हमने क्या दिया है, टेक्स्ट, हमने दे दिया टेक्स्ट, ये क्योंकि शुरू में टेक्स्ट दे रखा है ना हमने, दूसरा हमने वाला तो कॉन्केटा रेफरेंस डेट का है फॉर्मूला एंड लगाया, एंड तो के। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट फॉर्मूला समझाता है एक्सेल को कि भाई ये रेफरेंस है, जैसे मैंने आपको याद होगा चूज वाला एग्जांपल जो दिया था मैंने, याद लगा दिया। अच्छा, एक और फॉर्मूला सीक्वेंस का फॉर्मूला आया है, सीक्वेंस फॉर्मूला। तो आप यहां जो इनडायरेक्ट में का झंझट पाल रहे हैं ना इतना, ये इसमें हम डायरेक्ट सीक्वेंस लगा सकते हैं, कि सम लार्ज, लार्ज में हमने इसको सिलेक्ट कर लिया पूरे के पूरे, और टॉप, यही कर्ली ब्रैकेट में मुझे 1 से 10 लिखना है ना, यही प्रॉब्लम है ना सर। तो हाँ इसकी जगह पे हम सीक्वेंस देते हैं, सीक्वेंस, सीक्वेंस हमने बोला कि रो नंबर जो है वो हमारा 10 है, कितने हैं, 10 है, कॉलम नंबर 1 है, स्टार्ट 1 से एक करना है, गैप 1 रखना है, स्टेप मतलब गैप। ठीक है। तो इस पे आपको करना है डबल क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एंड आ गया। तो सीक्वेंस फॉर्मूला क्या किया, देखिए सीक्वेंस फॉर्मूला में मैंने डाला क्या डाला, हमने डाला कि रो नंबर 10 है, राइट, कॉलन ठीक एक है, ही है, और स्टार्ट 1 से है और स्टेप 1 है, जिसने 1 से लेकर 10 तक का क्या दे दिया, सीक्वेंस दे दिया। और इसने रो वाइज दिया, मतलब रो वाइज मतलब कि सेमी कॉलन, तो वही चीज यहां पे लग गया। सीक्वेंस लगा सकते हैं, ये पहले लगाते थे लेकिन सीक्वेंस फॉर्मूला नया है,
क्या ना सर, गूगल सीट और माइक्रोसॉफ्ट दोनों कंबाइन चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोई नया फोन एग्जैक्टली निकालता है exactly. ना, गूगल सीट तो भी इसको दे निकालता है। देता है. हाँ ठीक ठीक है सर, ठीक है. तो ये चीजें आप कर सकते हैं जो आपके सामने दिख रहा है। तो अब समझ में ठीक आ है रहा मैं है कि समझ आप नहीं, गया. आप एरे क्यों लगाते हैं, हाँ समझे? आगे से तो एरे पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी नहीं, अब मैं पहले प्रैक्टिस करूंगा. ठीक है? प्रैक्टिस इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एरे वही है जैसे इफ लगा दिया, सम लगा दिया, इकट्ठा सब कुछ लगा सकते हैं। सीक्वेंस और रो का फंडा समझा ही दिया मैंने, तो आप एक बार कर लें इसको, एक बार कर लें। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको जो कि एरे से, हाँ और मैं ठीक 100% श्योर हूं कि आप एक क्वेश्चन भी उसमें का नहीं कर पाइएगा। है. अच्छा तो तो इसी में से आप दीजिए मुझे ना. गलत साबित कीजिए। नहीं पर नहीं मैं पर कह रहा मैं आप आप दीजिएगा तो दीजिएगा इसी तो में से इसमें से। ना. हाँ, एरे क्या क्वेश्चन है वो? हाँ बट जो देखिए, पढ़ाया उसी में से ना. नहीं, एरे ऐसा कुछ नहीं है, एरे तो प्रॉब्लम है। आप ये क्या लग रहा है, ऑफिस में आपको पढ़ाया हुआ चीज है? अच्छा हमने एरे का ठीक कंसेप्ट समझा। हाँ, एक चीज होगा कि उसके अंदर जो फॉर्मूले, एरे के अंदर जो फॉर्मूले लग रहे हैं, वो सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे आप। अच्छा ठीक है ठीक है. एरे पर कोई कैसे लिस्ट ऑफ कैसे कहाँ फॉर्मूला तो लगाना नहीं है. ना? ठीक क्या बोला, एरे कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला तो है नहीं। अभी जो हमने क्या लगाया, है. लार्ज हाँ लगाया, सम लगाया, इफ सम लगाया, तो पढ़ लगाया. रखिए, लेकिन उसको एरे के कंसेप्ट में लगा। हाँ बात समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन बता देता हूं कि मुझे ठीक 1 2 3 4 5 है, मुझे इनको आपस में जोड़ना है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 8 हो गया, ठीक मान है तो लीजिएगा। मैं लिखूंगा इज इक्वल टू तो आप इसको कैसे कीजिएगा प्लस के पास? सम इज इक्वल टू सम. सम, हाँ और क्या फिर लगता है? आप स्टार्ट करूंगा क्या कहते हैं नंबर लगाएंगे फिर. नहीं, ये नंबर जो है कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 नहीं है, हो सकता है 5 6 7 9 8। आप सीक्वेंस मत समझिए कि सीक्वेंसली है, कुछ भी हो सकता है, हाँ समझे? ठीक है. तो ठीक है, फिर तो फिर इसमें इसमें सम के बाद हम इसको राइट सम से ले के लेंगे. लिए राइट राइट वन वन राइट टू राइट राइट थ्री ऐसे थ्री ऐसे कर कर ऐसे भी कर सकते सकते हैं. हैं। बट आप कितनी बता बार दीजिए, करेंगे अगर मैंने ज्यादा बता हो दिया, तो. मैंने बताया था, नाम लगाया था मिड का फॉर्मूला, मिड मीन्स को सेलेक्ट करेंगे। हाँ तो वही यहाँ वही कह रहा था मैं अब तो. यहाँ लगाएंगे सीक्वेंस का फॉर्मूला। किसका लगाएंगे? सीक्वेंस सीक्वेंस का का फॉर्मूला। सीक्वेंस में ठीक रो है. नंबर तो हो जाएगा रो लेन, जितना लेंथ हो गया अच्छा उतना रो हो गया, और कॉमा कॉलन एक ही रहेगा, स्टार्ट वन से वन से, और फिर यहां पे वन करेंगे, अब वन क्यों सही है. हाँ वन नंबर ऑफ करेक्टर के लिए। हमने क्या किया नहीं समझे, हमने हर लेटर को ठीक अलग कर दिया, हमने मिड फॉर्मा लगाया और इसको हमने बोला है. कि भाई स्टार्ट कॉमा वन, तो ये 9 अलग हो गया। फिर ठीक वापस है वो मैंने तो यहाँ पे मिड मुझे लगाया, और इसमें से मैंने क्या किया, स्टार्ट कॉमा मैंने टू टू स्टार्ट कॉमा कॉमा वन टू. ऐसे थे, मैं सारे डिजिट्स को हाँ अलग कर दिए और फिर सम से सम कर लिए। ठीक है. बट यहाँ 0 क्यों आ रहा है? हाँ तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते हैं, हाँ फिर भी 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है 0 सर, बताइए 0 क्यों आ रहा है? अपने सम ले लिया फॉर्मूला मिड बिल्कुल लगा सही लिया है, फिर भी फिर 0 आ रहा है, क्या दिक्कत है फॉर्मूले में, बताइए? लेंथ. वन की जगह जीरो करने की वजह से लास्ट लास्ट में वन की जगह जीरो करने से. नहीं, मिड फॉर्मूला लगा हुआ है। मिड कौन सा फॉर्मूला है? टेक्स्ट फॉर्मूला है, तो टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले हमेशा रिटर्न टेक्स्ट में करते हैं। तो इनडायरेक्ट देना पड़ेगा. नहीं, वैल्यू फॉर्मूला मिड के रिजल्ट को, ये जो 1 2 3 दे रहा है वो इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 इस तरह का दे रहा है, 3, जिसको सम नहीं सम कर सकता है।
पाएगा, ये तो नहीं कर तो मुझे पाएगा। इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो दो तरीके, या तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिए क्या, या वैल्यू का फॉर्मूला, वैल्यू वैल्यू फॉर्मूला। ठीक है, ठीक वैल्यू है, फॉर्मूला लगा दीजिए, देन कंट्रोल सम कीजिए। तो यहाँ पे वही चीज होगा। तो यही सब चीज तो आपको अपने हिसाब से सीखनी है। इसको यहां मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिए, उसे एरे फॉर्मूला में मल्टीप्लाई 1 कर दिया, हमें सम नहीं करना था। आ गया 21। अब इसको एक बार तो जांच लीजिए। मल्टीप्लाई बाय 1 की वजह से मैं पहले वो नहीं कर सकता हूँ, उसके आगे मैंने वैल्यू का लगा देता इससे बढ़िया। हाँ, आपको क्या बताया मैंने ऊपर, हमने क्या बताया यहाँ पे कि हाँ, इसको या तो आप फिर ये मल्टीप्लाई कर बाय लो। 1 कर लें या वैल्यू कर लें। अब क्या चूज करना है ठीक वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना सर। है हाँ क्या मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 किया, मेरा मन था, आपका जो मन है कीजिए, तरीका दोनों वही है। ठीक। अपनी सॉल्यूशन समझ गए। हाँ अब इस क्वेश्चन में हाँ ये जो क्वेश्चन बताया, इसमें आपको मिड आता ही था, सीक्वेंस आपको आता ही हाँ था, सब आपको आता ही था, उसको लेंथ अरेंज बता ही करना है था। ना। अब ये बोलेंगे कि सर हाँ ये तरीका आपने पढ़ाया नहीं है, ऐसा पूछ दिया। तो नहीं वही नहीं वो तो तो बात अलग किया। वही तो बात है, क्योंकि अगर एरे के कंसेप्ट सारे पढ़ाए नहीं जा सकते ना, वो तो लाखों में हो सकते हैं ना सर। एग्जैक्टली सही बात है, तो सही बात सर। लेकिन मेरे को कैसे ये चीज़ मैं फाइंड कर पाऊंगा कि मैनुअल हाँ यहाँ पे अभी ये लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए, कीजिए, जितनी मैं प्रैक्टिस करनी पहले उसको पड़ेगी। मैनुअल कीजिए। इसलिए बताया आपको यहाँ पे कि मैंने इसको, मैंने एरे पर नहीं सोचा, पहले मैंने बताया कि अलग अलग करके कैसे किया जाता है। मान लो एरे ना होता तो कैसे करता, तो पता चल गया। और ठीक जो मैनुअल हमने है किया हाँ उसी को एरे में लगा दिया। क्या ठीक है तो एरे की प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह से भी रिसर्च कर लीजिए, फिर हम कल जो है कुछ क्वेश्चन